दिल अभी बड़ा नहीं। वाह सर वाह, अगर आपको गाने का इतना शौक है तो सीख क्यों नहीं लेते? मैडम, मैडम के लिए कॉफी नहीं लेकर आए आप? सर लाया। नहीं सर, कॉफी फिर कभी, आज मुझे अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाना है। पर सर इतना सारा काम पेंडिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कल की भी फाइल्स पेंडिंग है सर। सर मैं हरिराम को कहूं कि फाइल्स कंप्लीट कर दे? अरे नहीं नहीं, उसको बिल्कुल नहीं करना, वो जलता है तुमसे, काम खराब कर देगा, तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। मैं सोचता हूं ना कुछ ना कुछ, मैं सोचता हूं। अरे नारे दे, एक काम करो, मैडम की जितनी फाइल लेना है सारी कंप्लीट करके शाम तक मेरे ऑफिस में लेकर आओ, ठीक है? लेकिन सर मैं कैसे? एमबीए नहीं किया हुआ? हाँ किया है, एमबीए किया है। करो ना जाकर काम करो भाई, तुम्हारी भी तरक्की होगी, तुम्हें भी जल्दी क्लर्क बना देंगे। थैंक यू। चलो चलो जाओ जाओ जाओ। ओके सर मैं चलती हूँ, जाने सर। ओके बाय सर। कोई बात नहीं भाई, अरे काम मुझे करने पड़ते हैं यहाँ पे। सर बिचारी का चेहरा बहुत उतरा है, बहुत सुना है ने आपने। हाँ बहुत सुना, तेरे को तो पता मेरे को कितना गुस्सा आता है। मैं तो उसको बाहर निकाल देता अगर उसकी शक्ल तेरे जैसी होती तो। क्या मजाक कर रहे हैं सर? मजाक नहीं, मजाक मजाक करना ही पड़ता है भाई, तुम भी ना करो हम भी ना करें। सर 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 जीएम सर आए हैं सर। जीएम सर आ गए, जीएम सर। ये देखो भाई मैं क्या कहता हूँ, हाँ। कि अभी हमारा ऑफिस यहाँ पे है, तो हमने ऑफिस को बढ़ा के यहाँ से देख के यहाँ तक यहाँ तक। हाँ हाँ यार, क्या खा काम चल रहा है यहाँ पर? आपने जो है इस ऑफिस को चुगलखोरों का अड्डा बना रखा है। अरे नहीं सर, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है सर जी? ऐसी बात नहीं है कोई। मुझे गलत फहमी हुई है? जी? आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि मिस कामया जो इस साइज का स्वेटर बना रही है वो आपके लिए है? और आप उन्हीं के लिए क्यों प्रमोशन की डिमांड करते रहते हैं? ए, कुछ? अरे सर माँ के समय मैंने नहीं बताया सर। क्या खुसर फुसर कर रहे हैं आप लोग मेरे सामने? और मिस्टर हरिराम आप तो कमाल है, चुगलखोरी में आपने लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया है। और आप, ये सब आपकी वजह से हो रहा है मिस्टर अरोड़ा। सॉरी सर सॉरी। आपको आज से बल्कि अभी से मैनेजर की पोस्ट से निकाला जाता है बस। फिर किसको कर रहे हैं सर मैनेजर? मैनेजर को अपने नाक कान आंख सब खुले रखने चाहिए, और एक ऐसे ही इंसान को हमने ढूंढा है। नारद, मिस्टर नारद, आपको अभी से इस ऑफिस का मैनेजर बनाया जाता है जी। थैंक यू। आपने जिस तरह से इस ऑफिस की सारी रिपोर्ट्स मुझे दी हैं, मुझे हमेशा लगा था कि आप बहुत ही काबिल मैनेजर बनेंगे। थैंक यू सर। अच्छे से अपना काम कीजिएगा। यस सर। और आप सब लोग, आई विल सी यू ऑल इन माय ऑफिस। अरे नारद के बच्चे, तेरे को क्या लगा हम लोग का सबका चुगली करके तू मैनेजर बन जाएगा? मैं भी सोचू भाई, मैंने नए जूते लिए, इतने ढीले क्यों है? ढीले क्यों है भाई, बताओ बताओ। तेरे चाचे लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? और तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर,
मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। आप, वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।